ग्रामीण नाले का गंदा पानी को मजबूर है। हो सकती है कोई भी बड़ी समस्या। मामला है नांगलवाड़ी के समीप ग्राम जामनिया का। एक तरफ भीषण गर्मी के कारण कुएं, तालाब, हैंडपंप प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नांगलवाड़ी के अंतर्गत ग्राम जामनिया के अवाया फलिया में ग्रामीण नाले का पानी पीने को मजबूर है। आपको बता दें, अभी दो दिन पूर्व बुधवार को धवली के समीप ग्राम पांजरा में कुएं का गंदा पानी पीने से 28 ग्रामीण उल्टी दस्त से बीमार हो गए थे। वहीं हमारे संवाददाता अजय बैरागी वहीं से गुजरे तो उन्होंने ग्राम जामनिया के रास्ते में नाले में खुदे गड्ढे से पानी भरते हुए देखा तो वहीं रुक गए। वहीं पास में अवाया फलिया में पहुंचे तो देखा कि कुछ महिलाएं नाले का गंदा पानी गड्ढे से भरकर पीने के लिए ले जा रही है। ग्रामीणों ने बताया, यहाँ 20 मकान है, 150 से 200 ग्रामीण रहते हैं, दो हैंडपंप में लेकिन कोई समय से बंद पड़े हैं। कितनी बार सरपंच मुकेश नरगावे को भी कहा लेकिन बस एक ही बात कहते हैं, करवा देंगे पानी की व्यवस्था, लेकिन आज तक नहीं की। हमारी मजबूर है नाले का पानी पीना। न्यूज़ रिपोर्टर ने ग्रामीणों को ग्राम पांजरे का मामला बताया और समझाइश देते हुए कहा कि आप सभी अभी फिलहाल इस पानी को छान ले और पानी को गर्म अगर ठंडा होने पर पिए। वहीं जब इस बारे में पीएचई विभाग सिंधवा की सहायक यंत्री सुश्री नीरू सकड़िया से ग्रामीणों की परेशानी के बारे में बात की तो उनका कहना है कि मैं दिखवाती हूँ, क्षेत्र में जल संकट गहराता जा रहा है, आमजन पानी को लेकर काफ़ी परेशान है। अभी तक अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन उससे भी जरूरी है वक्त रहते किसी बड़ी आपदा से बचने के लिए उपाय किए जाए और ग्रामीण क्षेत्र में पानी के स्रोतों को जांचा परखा जाए एवं ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल संकट की समस्याओं को समय रहते दूर किया जाए व किसी बड़ी समस्या के उत्पन्न होने से पूर्व निराकरण किया जाए। इंडिया 24 न्यूज़ के लिए नांगलवाड़ी से अजय बैरागी की रिपोर्ट। अजय पटेल, अजय कौन सा गाँव, कहाँ रहते हैं? जामनिया। यहाँ पे पानी पीने की क्या व्यवस्था है? यहाँ हेडपम्प है क्या? नहीं, दो हेडपम्प है, सूख गए। हाँ। अच्छा अच्छा, फिर पानी कहाँ से पीते हो? पानी ये नाले में पीते सर। ये नाले का ये जो पानी भर रही महिलाएं यहाँ पे पानी पीते हैं? हाँ, तो ये पानी जो पीते हो तो इसको ले जाके घर पे क्या गर्म पानी करके पीते हो, गर्म करके ठंडा करके पीते हो कि नहीं? ऐसा पीते, ऐसे पीते हो। अच्छा, हेडपम्प बंद है तो आपने सरपंच को बोला कि हेडपम्प बंद है? हाँ, बोला था ना, तो नहीं सुना? नहीं सुना, नहीं। अच्छा, कितने मकान होंगे यहाँ टोटल? यहाँ टोटल लेंगे 20 हेक्टर। 20 मकान है। जनसंख्या कितनी होगी 20 मकान की? 150-200 लोग इतना आएंगे। तो आप ये पानी कब से पी रहे हो यहाँ पे? वो तो पुराना के यहाँ पे पीते हैं, हमेशा यहीं से पीते हो? हमेशा पीते हैं। तो हेडपम्प में पानी नहीं आता है? नहीं। बारिश में? बारिश में भी नहीं आता है। बारिश में भी नहीं आता है, मतलब कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे पानी पीने की। चलो ठीक, आप यहाँ पे ये पानी पी रहे हो तो स्वास्थ्य विभाग वाले आते हैं यहाँ? नहीं नहीं आते स्वास्थ्य विभाग वाले, कोई कुछ बताता भी नहीं है? नहीं।